टू सरोज मिश्रा यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में खास हम बात करेंगे एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल 3400 पोस्ट के लिए। आप में से बहुत सारे कैंडिडेट ने एप्लीकेशन की थी 2021 में, ये परमानेंट पोस्ट थे। इसके लिए कई कैंडिडेट ने दो दो पोस्ट के लिए भी एप्लीकेशन की थी और कई कैंडिडेट ने एक पोस्ट के लिए एप्लीकेशन की थी। तो इसमें जो मैंने आपको एक अपडेट दी थी दो वीडियोज बना के कि ये कैंसिल हो गए थे, एक बार वो पब्लिक नोटिस हम देख लेते हैं जिसमें लिखा था कि ये कैंसल हो गया। और नई अपडेट ये है कि फी रिफंड के लिए काफी कैंडिडेट कमेंट सेक्शन में लिख रहे थे कि फी रिफंड की क्या प्रोसेस है, अभी तक फी रिफंड नहीं हुए हैं, फी वापस नहीं आए हैं, तो कैसे आएंगे, क्या होगा। तो इसके लिए एक ईमेल आया है एक सब्सक्राइबर को, और उन सब्सक्राइबर को मैं थैंक्स बोलूंगी कि उन्होंने मेरे साथ सारी इन्फॉर्मेशन शेयर की। तो चलिए डिस्कस करते हैं बाकी की चीजें। तो ये एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल ये हमारे जिसे हमने उस समय ETSSE 2021 के नाम से भी जाना था, इसके इसमें 3400 पोस्ट थे परमानेंट पोस्ट टीचर्स के लिए, प्रिंसिपल के लिए। तो आप में से जिन कैंडिडेट ने इसके लिए एप्लीकेशन की थी वो कैंसिल हो गई। कैंसिल के लिए एक पब्लिक नोटिस अलग से जारी हुई गई थी 29 जून को, ये भी मैंने आपके साथ दो अलग अलग वीडियोस बनाकर शेयर किए थे। 29 जून 2022 को ये पब्लिक नोटिस रिलीज की गई थी। EMRS टीचिंग स्टाफ सिलेक्शन एग्जाम ETSSE 2021, इसमें शॉर्ट में यहाँ पर देखें मैंने येलो करके रखा है, ETSSE 2021 हैज बीन कैंसल्ड। It is informed that ETSSE 2021 has been cancelled 29 June 2022 को। और ये पब्लिक नोटिस जारी कहाँ से की गई थी, ये पब्लिक नोटिस जारी की गई थी मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के अंतर्गत ही आता है ये हमारे। इसके लिए यहाँ पर इसके टेंडर, यहाँ पे देखिए मैंने ऊपर में इसकी लिंक भी आपके साथ शेयर की हुई, tribal.nic.in टेंडर्स एडवर्टीजमेंट में जाकर आपको मिल जाएगी। यहाँ पर ही वो नोटिस जारी की गई थी कि कैंसिल हो गए। अब लेटेस्ट अपडेट क्या है, तो एक सब्सक्राइबर ने मुझे वीडियोस के जो एक वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिखा था कि EMRS के फी रिफंड के लिए मेल उनको पर्सनली आया है, तो मैंने उनसे कहा कि वो मेल अगर अवेलेबल है तो वो मुझे भी दें, सो दैट मैं बाकी सब्सक्राइबर्स बाकी व्यूअर्स जिन्होंने एप्लीकेशन डाली है उन तक ये इन्फॉर्मेशन शेयर कर दूँ। हालांकि ये ओपन करके मैं आपको नहीं दिखा सकती क्योंकि मेल काफ़ी कॉन्फिडेंशियल है। तो आप सबको भी अब मेल आने शुरू हो जाएंगे एनटीए की तरफ से होंगे, और आप उसकी ऑथेंटिसिटी वेरीफाई कर लें, एनटीए की तरफ से ही रहेंगे वो मेल। उसमें आपको जो भी प्रोसेस बताई गई है वो प्रोसेस फॉलो करनी है, और फॉलो करके आपको फी रिफंड मिल जाएगी। तो ये अपडेट लेटेस्ट है कि EMRS ने कैंडिडेट्स जिन कैंडिडेट ने अप्लाई किया था 2021 EMRS शिक्षक भर्ती के लिए उनको फी रिफंड के लिए पर्सनली एक एक को ईमेल भेजना शुरू कर दिया है। आपको भी अगर ईमेल आया है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखें, बाकी व्यूअर्स को हेल्प मिलेगी। और अगर आपको अभी ईमेल नहीं आया है तो आप वेट करें, प्रोसेस में है, वन बाय वन सभी कैंडिडेट को ईमेल मिल रही है और सभी को फी रिफंड के लिए जो भी प्रोसेस उसमें एक्सप्लेन की गई है वो फॉलो करते ही पैसे वापस मिल जाएंगे। बट ऑथेंटिसिटी जरूर जांच लें जिस पर आप पूरी इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे। NTA की तरफ से ईमेल आ रही है, हालांकि मैं इसे ओपन करके दिखा सकती थी लेकिन कॉन्फिडेंशियल होने की वजह से मैं आपके साथ ये पूरी डिटेल नहीं शेयर कर सकती। सिर्फ मेल आ रहे हैं, अब आपको रिफंड मिलेगी, प्रोसेस उसमें बताया गया है मेल में कि क्या प्रोसेस करने से रिफंड आएगी, वो प्रोसेस कंप्लीट करते ही आपको पैसे मिलेंगे।